हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है वास्तु टिप्स, धन रखने की अलमारी, जिसे हम अलमारी बोलते हैं। वो दो तरह के धातुओं की आती है, दो तरह के तत्व की आती है, एक आती है वुडन और एक आती है मेटल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेटल से बनी अलमारी है तो उसे आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ जोन में, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ओपन हो इस तरह से रखिए, यानी नैऋत्य कोण में दक्षिण दिशा के जोन से उत्तर दिशा की तरफ खुलता हुआ रखें। अगर आपके पास वुडन यानी लकड़ी की बनी हुई अलमारी है तो उस अलमारी को आप साउथ ईस्ट कॉर्नर, अग्नि कोण में, साउथ जोन में, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ओपन हो यानी दक्षिण पूर्व कॉर्नर, दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा की तरफ खुलती हुई रखें। दोस्तों, ये मेटल की भी है और वुडन की भी अलमारी है, पर इसमें कॉमन एक बात आपने देखी, मैंने इसको नॉर्थ की तरफ खुलता हुआ क्यों बोला, क्योंकि नॉर्थ दिशा में श्री कुबेर देव का वास है, वहाँ से हमें इतनी पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। अगर उस दिशा की तरफ खुलती हुई अलमारी हो जिसमें हम अगर पैसा रखते हो तो उस पैसों में हमेशा रिद्धि सिद्धि और धन समृद्धि बढ़ती है। अगर आपकी अलमारी में अगर आप धन रख रहे हो तो उसको उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खुलता ही रखना, और उस अलमारी के अंदर आप कपड़े रखना चाहते हो तो सबसे ऊपर पैसों का धन स्थान बनाना, लाल कपड़े के ऊपर अच्छी तरह पूजा पाठ करके एक स्वस्तिक बनाना, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाना और अपने कमाई हुई पूंजी उसमें आप रखना, जिससे क्या होगा कि अगर वो उत्तर दिशा की तरफ खुलती है अलमारी और उधर हम अपनी जो पूंजी रखते हैं उसमें जो हमारे जीवन में अनवांटेड खर्चे यानी अनिच्छित खर्चे आते रहते हैं, जैसे मेडिकल मेंटेनेंस, सर्विस मेंटेनेंस, नहीं चाहे खर्चे जो हम करना नहीं चाहते तो भी करना पड़ता है, हम सेविंग नहीं कर पाते, तो वो आपकी कंप्लेन सोल्व होगी और आपके उस धन स्थान में धन हमेशा टिकाऊ दिखेगा। और दूसरा, वो जो अलमारी है, धन रखने की अलमारी है, उसके ऊपर हम कई बार ऐसा करते हैं, जूतों चंपल के बॉक्स, खाली बॉक्स रखते हैं, या कोई ऐसी हमारी सूटकेस रखते हैं, या हमारी रद्दी रखते हैं, तो कृपया आप धन अलमारी के ऊपर ऐसी कोई भी चीज़ मत रखिए जिससे नेगेटिविटी बढ़ती हो। वहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा रखिए, अलमारी के अंदर भी साफ़ सुथरा रखिए और ऊपर भी साफ़ सुथरा रखिए। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको दिन प्रतिदिन आपकी इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, आपके बिजनेस के सोर्सेज बढ़ेंगे, आपकी जॉब में प्रमोशन दिखेगी और घर में रिद्धि सिद्धि का माहौल बना रहेगा, घर में पैसों की बचत दिखेगी, हमारे जीवन के अंदर बैंक बैलेंस प्राप्त बनेगा और घर में पैसों की कभी भी हमें अछत नहीं दिखेगी। थैंक यू दोस्त। अब हम आपको रोज़ एक नहीं कभी ना कभी ऐसे एक टिप्स देते रहेंगे जो आप फॉलो कीजिए और अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि से भर दीजिए। थैंक यू।